Now let's continue our last class. In the previous class, we have covered till article number 32, article number 32, soul of constitution, जिसका काम था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या उसको लागू कराना होता है तो वो कुछ रिट्स इश्यू करता है. कौन? सुप्रीम अंकल. सुप्रीम अंकल मतलब सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास हक होता है कि वो कुछ पर्चे इश्यू करेगा. वो पर्चों में लिखा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई साहब ये काम क्यों किया, ये फंडामेंटल राइट वायलेट क्यों किया, इसका क्वेश्चन पूछता है वो. अगर आप वो प्रूफ नहीं कर पाते हो तो बहुत डंडे पड़ते हैं. आपको प्रूफ करना होता है, उसका आंसर देना होता है जो आपने इलीगल एक्ट किया होता है इन पर्चों के थ्रू. सुप्रीम कोर्ट जो पर्चे इश्यू करता है उसको रिट्स बोला जाता है. अगर आर्टिकल नंबर 32 यूज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट तो रिट्स इश्यू कर सकता है. कब करेगा? जब वायलेट होगा फंडामेंटल राइट. पहला जो रिट इश्यू किया जाता है उसका नाम होता है हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस ये लैटिन टर्म है. इसका मतलब होता है, इसका बेसिक मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी. इसका मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी. ये जो रिट होता है ये सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन कोई भी हो सकता है, किसी भी स्टेट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के भी अगेंस्ट इश्यू कर सकता है. अगर मान लो स्टेट ने या पुलिस ने किसी भी को भी डिटेन किया है, अरेस्ट किया है और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे रिट इश्यू करके उस बंदे से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने दूसरे बंदे को कैसे अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ है बताओ. यू शुड हैव द बॉडी कहां से आई, इतना दम कहां से आई, इतनी बॉडी कैसे, क्यों कर लिया उसको. अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हो तो फिर आपको पकड़ के डंडे बजाए जाते हैं. इसका मतलब यहां पे एक सीधी सी बात है, अगर कोई स्टेट या अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी जो स्टेट के पूरे अंदर आते हैं, स्टेट का मतलब समझा चुका हूं, किसी को भी डिटेन करता है, पकड़ता है और 24 घंटे के सामने अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाता है तो आपको प्रूफ करना होता है कि क्यों नहीं लाए. इस एक्ट का ये काम नहीं होता है, इसका जो रिट है इसका ये मतलब नहीं होता है कि जिसने पकड़ा है उसको सजा दो. नहीं, ध्यान रखना, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है. इसका मतलब ये नहीं होता जिसने किसी और को पकड़ा है उसको सजा मिले गलत तरीके से. इसमें इसका मतलब ये होता है अगर किसी को गलत तरीके से पकड़ा गया है तो उसको छुड़वाओ. यहां पे पकड़ने वाला इंपॉर्टेंट नहीं रहे, जहां पे जो पकड़ा गया है वो इंपॉर्टेंट है. तो इस रिट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर किसी को इलीगली पकड़ा गया है या बंद करके रखा गया है तो उसको छुड़वाओ. ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं, ये प्राइवेट के अगेंस्ट भी इश्यू हो सकता है. मतलब अगर आपको आपके घर में बंद करके रखा जाता है, अगर आपको आपके घर के अंदर बंद करके 24 घंटे से ज्यादा रख लिया जाता है तो आपके पास ये पावर है, आपके पास ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके मांग सकते हो. लेकिन बंद हो गए तो मांगोगे कैसे? तो इसका मतलब आप कैसे भी करके जुगाड़ लगा के सुप्रीम कोर्ट से ये मांग सकते हो कि मेरे को इलीगली बंद किया गया है. तो वहां पे जिसने बंद किया होगा उस पे क्वेश्चन इश्यू होगा, उस पे रिट इश्यू करने का हक सुप्रीम कोर्ट का है. कौन सी? हैबियस कॉर्पस. कोई भी किसी को भी अगर इलीगली बंद करके रखता है जबरदस्ती तो वो उसके राइट को हैम्पर कर रहा है, हार्म कर रहा है. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ेगा. दिस इज हैबियस कॉर्पस. याद रखना, प्राइवेट एज वेल एज स्टेट दोनों के लिए आता है. दूसरा है मैंडमस. मैंडमस भी एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है टू कमांड. टू कमांड इसका मतलब होता है, ये कब इश्यू की जाती है? ये कब इश्यू की जाती है? जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा होता है तो ये जो मैंडमस है ये इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट की. ऐसा कहता है कि बेटा क्या बदतमीजी, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तुम कहां से आए, तो दम कहां से लाए, कर क्यों नहीं रहे तुम काम अपना, जब तुम्हें काम दिया जा रहा है, अपनी ड्यूटी है तुम्हारी, तो क्यों नहीं डिस्चार्ज कर रहा है. तो ये पब्लिक ऑफिशियल के लिए इश्यू किया जाता है. दिस कमांड इज इश्यूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म. अगर नहीं कर पाए हो या फेल हो गए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो, जरा बताओ जरा. तो यहां पे ये रिट इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट. दिस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट. प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं हो सकती. इससे पहले वाली जो थी हैबियस कॉर्पस वो प्राइवेट की भी अगेंस्ट हो सकती है. अगर मैं आपको अपने घर में बंद करके रख लूं तो आप मेरे अगेंस्ट भी इश्यू करवा सकते हो कि सर ने बंद कर लिया मुझे 24 घंटे से ज्यादा. समझ में आ गया होगा. यहां पे ये है, ये प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ये किसी पब्लिक ऑफिशियल. पब्लिक का मतलब कहीं ना कहीं यहां पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आ गया. स्टेट इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी आ सकता है. अगर कोई एडिशनल भी आता है तो सुप्रीम कोर्ट वो विल डिसाइड कि वेदर इट इज स्टेट और नॉट. क्लियर? कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं करेगा तो मैंडमस इशू कर देगा सुप्रीम कोर्ट की, भाई साहब काम कर, क्यों नहीं कर रहा तू है. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन का जो रिट होता है ये बेसिकली इसका मतलब होता है फॉरबिड. फॉरबिड मतलब अगर कोई छोटा कोर्ट, छोटा कोर्ट का मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और नीचे आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अगर कोई छोटा कोर्ट जैसे हाई कोर्ट है या कोई भी है, वो हाई कोर्ट अपना जो ड्यूरिडिक्शन है, जो उसका एरिया है जिसके अगेंस्ट, जिसके अंदर में वो जजमेंट दे सकता है, उसको एक्सीड करके जजमेंट देता है, अपनी औकात के बाहर जाके जजमेंट देता है, ज्यादा चादर से बड़े पैर फैलाने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट पैर पकड़ के चादर के अंदर कर देता है, कहता अंदर रख लो इसको. तो यहां पे सीधी सी बात है,
ये है प्रोहिबिशन का मतलब फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है यहां पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारी औकात के बाहर का है, तो मैं उसको फॉरबिड करता हूं, मैं उसको फॉरबिड करता हूं, तो प्रोहिबिट करता हूं मैं उसको, मत करो, मना कर रहा है मत करो, ठीक है, कैंसिल नहीं कर रहा है, मना कर रहा है मत करो। चादर से बाहर पैर निकाले हैं तो पकड़ के पैर अंदर कर रहा है, पैर बाहर जो निकले हुए थे उनको काट के तोड़ नहीं दे रहा है, ध्यान रखना। जैसे समझा रहा हूं समझ के रखना, कंफ्यूजन होता है, प्रोहिबिशन और शेर उशारी भी बताऊंगा, क्लियर है। दिस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल बॉडीज, मैंने बताया हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को दे सकता है, एज वेल एज क्वासी जुडिशियल बॉडी, छोटी छोटी जुडिशियल बॉडीज जो होती है जो थोड़ा बहुत कोर्ट की तरह फंक्शन करती है उनके अगेंस्ट भी हो सकती है ये। मैंडमस जो था वो पब्लिक ऑफिशियल को काम करने का बोल रहा था, काम नहीं कर रहे थे आपके वाला काम कर, प्रोहिबिशन एक्स्ट्रा काम करने वाले कोर्ट को औकात में काम करने को बोल रहा है कि भाई साहब ज्यादा मत, तो चल तेरा काम इतने तक का है, अंदर रह, ज्यादा पैर मत फैला। मतलब ऐसे के लिए अगर देखा जाए तो मैंडमस और प्रोहिबिशन का जो बेस है वो डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट समझो। मैंडमस कह रहा है काम कर जो काम नहीं कर रहा था, प्रोहिबिशन एक्स्ट्रा काम कर रहा है कोर्ट, उसको कह रहा है इतना काम मत कर, कितना काम बोला है चुपचाप उतना कर, सीधी सी बात है, कैंसिल नहीं कर रहा है, काम उसको समझा रहा है। दोनों केसेस में काम समझा जा रहा है, एक में करने को बोला जा रहा है, एक में सही से करने को बोला जा रहा है कंट्रोल करके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है शरी और शरी, ये जो है इसका मतलब होता है दिस कैन बी इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे भेज सकता है, ये भी अभी फर्क भी समझना प्योर प्रोहिबिशन और इसके अंदर, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है। और ये के जो रिट इश्यू किया जाता है, ये किया जाता है अगर कोई पेंडिंग केस है हायर कोर्ट पे, मान लो हाई कोर्ट है उसके पास कोई पेंडिंग केस है और वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास लाना चाहता है, तो इसके थ्रू ला सकता है, ये रिट इश्यू करके अपने पास ला सकता है। साथ में अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है या लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है जजमेंट फालतू का है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। ध्यान रखना इस वाले रिट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज द एबिलिटी टू स्क्वैश द जजमेंट, टू कैंसिल द जजमेंट, उड़ा देगा या फिर अपने पास ले लेगा। इससे पहले वाला जो प्रोहिबिशन था वह उड़ा नहीं रहा था, मैं उसको बोल रहा था मत कर, वो मना कर रहा था, रोक रहा था, यहां रोक नहीं रहा है, यहां उसने कर दिया तो कह रहा है ऐसा भाग जा यहां से, तू अब मैं लूंगा ये, तू हट जा, तेरे बस की नहीं है, कैंसिल कर रहा है उसको सीधा सीधा। अलग अलग है दोनों चीजें, ध्यान से समझना। प्रोहिबिशन वॉज प्रिवेंटिव, रोक रहा था मत बढ़ाओ पैर चादर से बाहर, बट दिस इज प्यूरेटिव ऑल्सो, इट कैन इवन कैंसिल द ऑर्डर, मतलब यहां पे अगर पैर बढ़ा लिए हैं तो वापस करने को नहीं बोलेगा, वो पैर ही काट देगा जो बाहर निकल रहे हैं, समझ में आ गया। ये फर्क है रिट्स के अंदर दोनों। इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी लाइक कॉर्पोरेशन, नॉन स्टेचुटरी बॉडीज लाइक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट बॉडीज, पर्सन रिक्वायरिंग द रिकॉर्ड ऑफ एनी एक्शन टू बी सर्टिफाइड बाय द कोर्ट, मतलब बेसिकली ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रिट इश्यू किया जा सकता है। प्रोहिबिशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही दे सकता था, बट ये जो रिट है ये बेसिकली जो कोर्ट है वो जनरल किसी स्टेट के अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशन इवन प्राइवेट बॉडीज को भी दिया जा सकता है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो रही होगी। कोई भी अपना जो दायरा है वो अगर दायरे से बाहर जाता है तो वो उसके जो बाहर निकला वो पोर्शन है ये उसको स्क्वैश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है उसकी उस एबिलिटी को। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहां पे हायर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि लोअर कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग केसेस है वो भी ये अपने पास ला सकता है। इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट रिट है वो है क्यो वारंटो। क्वेश्चन सीधा, क्यों का मतलब भाई किस बात से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस वारंट से, किसने अथॉरिटी दी तुमको, सीधी सी बात है। क्यो वारंटो जो है इसका मतलब होता है बाय व्हाट वारंट एंड दिस रिट इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, मतलब ये एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट इश्यू किया जाता है जो बेमतलब में ऑफिस में बैठा है, उसका काम भी नहीं है। मतलब अगर आप रिटायर हो गए हो और ऑफिस में बैठ के आप चाय और बटरी खा रहे हो तो ये यहाँ पे इश्यू हो सकता है कि भाई साहब अंकल बुड्ढे हो गए हो, घर जाओ सो जाओ, जाके यहाँ बैठ के क्यों टाइम पास मार रहे हो। मतलब बेसिकली ये वाली रेट इश्यू की जा सकती है ऐसे बंदे के लिए जो बंदा फालतू में वहां पे बैठा है, उसका काम नहीं है, तो क्यों बैठे हो, तो क्यों से ऐसे ध्यान रखो, क्यों क्यों वारंट, तो किसने अथॉरिटी दी वहां बैठने की। अगर आपका ट्रांसफर हो चुका है और ऑफिस में फिर भी आप पुराने ऑफिस में जाके वहां पे दोस्तों से मिल रहे हो तो किस ऑफर, किस किस अथॉरिटी से बैठे हो, तो ये रिट यहाँ पे इश्यू की जा सकती है। कैन बी इश्यूड अगेंस्ट द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस इवन आफ्टर द रिटायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट ऑफिसेस क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज एडवोकेट जनरल, स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे ऑफिसेस में हो सकता है। क्या प्राइवेट में हो सकता है ना,
ये प्राइवेट में नहीं हो सकता, इससे पहले वाला हो सकता था, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो रेट है ये प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं इश्यू हो सकती। प्राइवेट वाला बंदे का मन होगा, वो बैठेगा अपना बेमतलब के अंदर, उसका अगर कंपनी वाले को चाहेगा तो उसे निकाल देगा, लेकिन यहां पे जबरदस्ती कोर्ट नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो हो गई कुछ रेट्स अपनी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 33 की, और उसके बाद करेंगे आर्टिकल नंबर 34 की और आर्टिकल नंबर 35 की। आर्टिकल नंबर 33 जो है, इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ, टेक्निकल और फिर अपना यूपी वाली बढ़िया लैंग्वेज में, जिसमें आपको दिमाग के अंदर चीजें घुस के चिपक जाती है और ताला लग जाता है। टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज ये बोलती है कि राइट रिस्ट्रिक्ट द, आर्टिकल नंबर 33 रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो आर्मी वाले होते हैं उनका जो राइट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रिस्ट्रिक्ट करेगा? क्योंकि उनको लिमिटेशन लगाई जाएंगी उनके ऊपर। एक आप हो आम जनता हो, एक आर्मी वाले हो आम जनता नहीं है। आपके जो राइट्स हैं वो आपके पास हैं, बट आर्मी वालों के राइट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग देम। उनके बीच में डिसिप्लिन रखने के लिए उनके राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। जैसे अगर कोई आर्मी वाला कहे, मान लो कारगिल में लड़ाई हो रही है, अब आर्मी में कोई कहता है मैं तो नहीं जा रहा कारगिल, तो वो नहीं बोल सकता लड़ने के लिए। अगर कहीं लड़ाई होती है उसको जाना पड़ेगा, वो ये नहीं कहेगा मेरा तो राइट यार जिंदगी भर राइट टू लाइफ, जा रहा है यहां से, मारा जाऊंगा मुझे पता है, क्यों जाऊं? नहीं, आप वहां पे नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे आप आर्म फोर्सेस में अंदर हो, आर्म फोर्सेस के अंदर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आर्म फोर्सेस के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो ग्रुप है, जिन्होंने टेक्निकली यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे आर्मी वाले तो है ही जाते हैं, और भी फोर्सेस आ जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो फोर्सेस से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, सिग्नल लेके भाई इधर से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी नहीं छोड़ सकते, उनको भी काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी क्लियर है। उनके अमंग डिसिप्लिन बनाने के लिए ये उनके जो राइट्स है इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे मैंने बताया। एक और चीज यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि भैया जो आर्मी वाले हैं वो तो अपना उनके राइट्स तो रिस्ट्रिक्ट है ही, मैंने बोला पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी की फोर्सेस के भी राइट्स रिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने बताया ब्यूरो वगैरह जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह। द मेन एम फॉर दिस पोजीशन इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द पीपल, जो आर्मी वाले हैं। द एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अंदर सिर्फ आर्मी वाले नहीं, आर्मी वालों से रिलेटेड लोगों भी आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी वालों का बार बार बाल काटने वाला, प्रेस करने वाला, कुक वगैरह जो उनके साथ जाएंगे। अगर आप एक आर्मी में काम करते हो और आप लड़ाई में जा रहे हो तो आपका जो कुक है वो आपके साथ ही तो जाएगा। इट मीन्स दैट उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। क्लियर है, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आपसे आके कोई बोले कि बेटा फालतू घर में बैठे रहते हो, चलो जरा लड़ाई लड़ाई कर जाके, तू जब बॉर्डर में जा फालतू घर में बैठा था, पेपर से निकल ले रहा, ये बंदूक पकड़ जा। नहीं, आपके पास एज अ नॉर्मल सिटीजन वहां पे ये राइट है, आप कहोगे मैं क्यों जाऊं, मेरे पास फ्रीडम है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पे आर्मी वालों के पास ये चीज नहीं है, वहां पे आर्टिकल नंबर 33 उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स कि उनको जाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 35, दोनों आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 34 जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लोगों के, आपके मेरे। अगर किसी जगह पे मार्शल लॉ लग जाता है, आर्मी लॉ लग जाता है, तो उस जगह पे जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है मार्शल लॉ के अंतर्गत। मार्शल लॉ जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखना इसका मतलब कहीं डिफाइंड नहीं है, बट मैं आपको एक जनरल मीनिंग बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड है कि जहां मिलिट्री लॉ लग जाता है वहां पे आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते हो, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इवन जो कोर्ट होता है ना, नॉर्मल कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उसकी फंक्शनिंग भी सस्पेंड हो जाती है अगर कहीं मिलिट्री लॉ लगता है, एक्सट्रीम कंडीशंस पे लगता है। क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा है, ठीक, मार्शल लॉ क्या होता है। तो अगर मार्शल लॉ लगेगा तो राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, आप जानते हो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, क्लियर सी बात है। आर्टिकल नंबर 35 ये कहता है कि पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव The power to make laws to enforce fundamental right। मतलब आर्टिकल नंबर 35 ये कहता है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, स्टेट पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। कौन सी पावर? वो वाले लॉ बनाने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, मैंने आपको बताया था 1955 जो चेंज हो गया था आगे चल के 1976 में, इसका नाम हो गया था, बताया था मैंने आपको सिविल राइट्स वाला। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई है, अगर किसी एक्ट को बनाना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, तो वो एक्ट को बनाने की एबिलिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्लियामेंट की है, लेजिस्लेचर की है, स्टेट नहीं बना सकती। यहां पे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने की एबिलिटी यूनियन लेजिस्लेचर को मिलती है आर्टिकल नंबर 35 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ की बात बताता है, कहीं मार्शल लॉ लगा है, अगर कहीं मार्शल लॉ लगा है तो वहां पर राइट्स बहुत सारे सस्पेंड हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है।
क्लियर हो गया है, मार्शल लॉ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। यहां पे हमारे खत्म होते हैं आर्टिकल नंबर 12-35, 12 से 35 कवर हो जाते हैं, हमने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 विद एडिशनल लेक्चर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमने कवर कर लिया है, इन डेप्थ कवर कर चुके हैं हम सारी चीजें। इससे पहले बहुत सारे बेसिक लेक्चर्स भी करे थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ते रहना, मस्त रहो, ऐश रहो, बस मेहनत करते रहो और अंदर एक आग लगा के रखो कि अपना सपना सच करके रहूंगा। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE or state services. Kabhi socha hai kyun selection nahi hota hai? Let me tell you. Let me give you the basic introduction ki hota kyun nahi hai. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स, वॉट विल डू विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो, तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप, विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज। थैंक यू।